सिकंदरों की अगर भीड़ है तो रहने दो, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते, और जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है वो किसी फिरौनों शद्दा से नहीं डरते। आइए नातिया कलाम के लिए मैं सीधे सीधे चलता हूँ। मोहतरम, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा तमाम शोरा इकराम से मोहब्बत करने वाला ऐसा मोतबर शायर, जो तमाम मशायरों में जिसकी हाजिरी होती है, जिसको लोग जानते हैं, यूट्यूब जानता है, जावेद साहिब सीतापुरी। मैं उनको आपकी अदालत में पेश करता हूं, उसके बाद मंसूरी साहब, उसके बाद एक छोटा बच्चा हमारा बिस्मा का है आपकी अदालत में होगा। हम इस्तकबाल कर रहे हैं जावेद साहिब साहब का कि इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, और जो भी देखे वो कहे ये है नबी का आशिक, जो भी देखे वो कहे ये है नबी का आशिक, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। मुल्तमिसु मोहतरम शायर जावेद साहिल सीतापुरी। मोहतरम हज़रात, डाइस पर बैठे हुए उस्तादु शोरा आली जनाब इज्जत माम डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, और इसके अलावा बहुत ही आवाज के खूबसूरत मालिक जनाब शमशेर जहला गंजवी साहब, और बड़ा अच्छा कलाम पढ़ के गए जनाब अली बार बार साहब, और इसके अलावा दीगर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं, और बड़ी बड़ा मशकूर हूं मैं जनाब इकबाल खान साहब का, जिनकी मेहनतों का ये नतीजा है, और तमामी हजरात तशरीफ रखते हैं, दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं, हमारे कटरा के भी हैं, करीमपुरवा से भी, कई जगहों से लोग आए हुए हैं। आइए जिस तरीके से भी हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब बता रहे थे कि मैं कंफ्यूज हूँ, इसी तरीके से शोरा भी कंफ्यूज हैं, और ये आवाम भी कंफ्यूज हो जाती है कि कब तालियां बजाना है, कब सुबह सुबह, यही बात है। बहुत हो विवाह। मुजीब खान साहब तशरीफ रखते हैं, इंशाल्लाह यूट्यूब के जरिए पूरे हिंदुस्तान में इस प्रोग्राम को दिखाएंगे। आइए नात पाक के हवाले से, उससे कबल एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। एक मतला हाजिर करता हूं और आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। समाप्त और अहमद सलमानी साहब की भी तवज्जो चाहूंगा। मुलाजा फरमाए हजरात, और हमारे दरमियान जनाब इरफान मंसूरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, अकरम प्रधान साहब और मुजीबुर रहमान यानी छोटे प्रधान साहब। समाज फरमाए हजरात, प्यार करते हैं बशर जो, बात है वाह वाह वाह, प्यार करते हैं बशर जो सैयदे अबरार से, कह दीजिए सुभान अल्लाह, प्यार करते हैं बशर जो सैयदे अबरार से, प्यार करते हैं बशर जो सैयद 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 अबरार से, अरे बिक नहीं सकते कभी वो फिर गमोदी लाल से, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है जावेद साहिल सीतापुरी, माशाल्लाह। आइए हमारी पहचान क्या है, मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, एक बार पूरा मजमा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। की गालियां
दिखा कर भी दुश्मन को दुआ देते हैं हमें कहानिया था कल भी दुश्मन को दुआ देते हैं हमें कहानियां था कल भी दुश्मन को दुआ देते हैं हमें कहानिया था कल भी दुश्मन को दुआ देते हैं हमें ये सबक सीखा है हमने ये सबक सीखा है हमने सीरत सरदार से बाबा सुभान अल्लाह सीखा है हमने। और एक शेर बतौर खास मौलाना फरमाए इंशाल्लाह पूरा मजमा इस शेर में बोलेगा अहले डाइस के हवाले भी हाजिर करता हूँ समाज फरमाए कि जिस मुनाफिक ने न माना फैसला सरकार का कि जिस मुनाफिक ने न माना फैसला सरकार का 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 उसकी गर्दन उसकी गर्दन उड़ गई पाप की तलवार से जिंदाबाद भाई बाबा उड़ गई फारूक की तलवार से। और इस वक्त में जो हालात हैं दोस्तों जी किसी की कमी नहीं बल्कि गोया की हमारी कमजोरी और अपनी कमी है। एक शेर हाजिर करता हूं और आप तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं समझ में आए तो मुलाजा फरमाए हजरत कि कामयाबी चाहते हो तो खुदा के घर चलो 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 ये सदा आती है हर दम मस्जिदों में नार से। बहुत खूब भाई वाह 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 जिंदाबाद। दोबारा पढ़ दीजिए भाई जावेद भाई बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे। ये सदा थी समाज फरमाए कि कामयाबी चाहते हो तो खुदा के घर चलो 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 ये सदा आती है हरदम मस्जिदों में नार से। बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक शेर हाजिर करता हूँ जो हजरत मदीना जाना चाहते हैं मतलब हाथ उठा के बता दें कौन कौन हजरत जाना चाहते हैं माशाल्लाह बुलाला समाज फरमाए कि मैं हूँ बीमा
रे मदीना अब दवा बेकार गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि मैं हूँ बीमार रे मदीना अब दवा बेकार है। मैं हूँ बीमार रे मदीना अब दवा बेकार है। मैं हूँ बीमार रे मदीना अब दवा बेकार है। मैं हूँ बीमार रे मदीना अब दवा बेकार गए। चैन आए आएगा तो बस सरकार के दीदार से। नारे तकबीर नारे तकबीर। अरे कितना सन्नाटा है। एक मतलब हाजिर करके अपनी जगह ले ले। देखिए भाई ये मुशायरा हो रहा है कब्रिस्तान नहीं है। दोनों हाथों को उठाइए कि ये सुभान अल्लाह। मालूम हो कि आश के नबी हैं। अजमत मुस्तफा के लिए कलाम पढ़ा जा रहा है। यकीनन ना तो मनकबत जब पढ़ा जाए तो याद रखिए पढ़ने वाले को भी सवाब है और सुनने वाले को भी सवाब है। उठाइए दोनों हाथों को ये सुभान अल्लाह। एक मुतालहा कर कहिए सुभान अल्लाह। देखिए कुछ लोग जबानी से सुभान अल्लाह कह देते हैं। कन्वीनर साहब याद रखिए जब आप हाथ उठाते हैं तभी मालूम होता है कि आप कह रहे हैं वरना कंजूस मालूम होते हैं। ये सुभान अल्लाह। एक मुतालहा कर कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जावेद माशाल्लाह। आइए एक मतला हाजिर करता हूँ और इंशाल्लाह आपकी तड़क तड़क तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मुलाजा फरमाए डॉक्टर साहब के हवाले फरमाए जो है सच्चे मुसलमान जो है सच्चे मुसलमान वो कभी ऐसा नहीं करते। हिंदुस्तान के हालात और हम सब के ऊपर जो इल्जाम है एक मतलब हाजिर करता हूँ समाज फरमाए हजरात। जो है सच्चे मुसलमान वो कभी ऐसा नहीं करते। जो है सच्चे मुसलमान वो कभी ऐसा नहीं करते। किसी भी हाल में गैरों का वो सजदा नहीं करते। किसी भी हाल में गैरों का वो सजदा नहीं करते। हमेशा प्यार से हमेशा प्यार से रगते हैं मिलजुल कर जमाने में। हमेशा प्यार से रगते हैं वो मिल हमेशा प्यार से रहते हैं मिलजुल कर जमाने में। नबी के चाहने वाले नबी के चाहने वाले कभी तंगा नहीं करते। सुभान अल्लाह नबी के चाहने वाले गाने ही करते। और आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मुलाजा फरमाए माशाल्लाह। एक मतलब हाजिर करता हूँ हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। मुलाजा फरमाए क्या बात है वाह वाह वाह। कि लंदन न मुझ घुम शहर के क्या बात है जावेद लंदन न मुझ घुम शहर के बाजार ले चलो। पूरा मजमा एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। लंदन न मुझ घुम शहर के बाजार ले चलो। मेरी निगाहें हमारे गांव से भी लोग आए हमारे इसरार भाई मकबूल साहब भी तशरीफ रखते हैं। के लंदन मुझ घुम शहर के बाजार ले चलो। लंदन मुझ घुम शहर के लंदन मुझ घुम शहर के बाजार ले चलो। मुझको 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 दिखाने रोज़े सरकार ले चलो। मुझको ज
जावेद साहिल जिंदाबाद कि मुझको दिखाने रोजे सरकार ले चलो। और आखिरी शेर हमारे इकबाल साहब भी तशरीफ रखते हैं, अहमद सलमानी साहब और दीगर हजरात। अगर आपके अंदर यकीनन मदीने की मोहब्बत और मदीने वाले की मोहब्बत है तो इंशाल्लाह सारे हजरात बोलेंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की होंगी 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 माफ सारी खता दोस्तों होगी माफ सारी खता है दोस्तों होगी माफ सारी होगी माफ सारी खता दोस्तों सहेरे 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 नबी में सारे गुनहगार ले चलो सहेरे नबी में सारे गुनहगार ले चलो।